सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। एंड आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ टॉप 5 ओपन वर्ल्ड गेम्स लाइक GTA फॉर एंड्रॉइड। तो ऐसे तो GTA तो सब लोगों के फेवरेट गेमों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर हमको पूरा जो ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर हम फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, तो किसको पसंद नहीं है गेम के अंदर में। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना 5 गेम्स बताने वाला हूँ। ऐसे मैंने ट्राई यही करा है कि आपको जो है ना थोड़ा न्यू गेम्स ही बताऊँ, क्योंकि ओल्ड गेम्स तो ऑलरेडी सब लोगों को पता चल ही जाते जब भी आते हैं। तो बाकी हाँ, यहाँ लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ा वीडियो लेट आ रही है, तो उसके लिए भी एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्किंग मास्टर मल्टीप्लेयर 2 गेम की, और इसका साइज़ है 584 MB एंड ये एक ऑनलाइन गेम है। अब हाँ, मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको इंट्रो में, यहाँ पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों गेम्स देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे बात करेंगे इस गेम की ना, तो भले नाम में पार्किंग लिखा है, बट ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पार्किंग का ही मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा जो है मैप देखने को मिलेगा, लिटरली में काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है, और उसके अंदर में आपको अलग अलग लोकेशंस पर टास्क ये सब है वही आपको परफॉर्म करने का, भी स्टंट का हो गया या कुछ भी जो भी टास्क है उनको आपको परफॉर्म करना है। ऐसे यहाँ पर गेम की ग्राफिक्स में कहूँ ना तो अच्छी है, मतलब ग्राफिक्स तो अच्छी है, देखो है ना कार इन सब बहुत ज़्यादा आपको रियलिस्टिक देखने को मिलेगी, बट जो हमारे सामने वाली कार्स होती है ना वो उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती है, तो थोड़ा सा मिसमैच लगता है। तो हाँ, थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे ना उसको, तो बहुत ऐसे ग्राफिक्स वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल कभी कभी ऐसा लगता है शेडोज ये सब में मतलब कहीं कमी लगती है। तो अब हम बात करेंगे वाइस ऑनलाइन गेम की, जिसका साइज़ है 317 MB एंड हाँ ऑनलाइन गेम ही है ये। तो ऐसे बात करेंगे इस गेम की ना, तो अगर आपको ऐसे GTA 5 ऑनलाइन जैसा कम साइज़ में गेम चाहिए ना मोबाइल पर, तो आप इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि गेम पूरा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है ना बहुत सारे डिवाइसेस में ये जो है ना हाई सेटिंग्स पर नहीं चल पाता है, लैग करता है बहुत ज़्यादा, तो आपको लो पर ही थोड़ा सा गेम को चलाना पड़ेगा। बाकी बात करेंगे गेम की ना, तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ऑनलाइन सर्वर्स टाइप के रहेंगे, उसके अंदर में आपको एक्सप्लोर करना है, नए नए टास्क मिशन ये सब परफॉर्म करने हैं, व्हीकल्स ये सब खरीदनी है, कस्टमाइज़ करना है, ये सब गेम का कॉन्सेप्ट तो पूरा आपको GTA 5 ऑनलाइन जैसे ही देखने को मिलेगा। अच्छा गेम है, बस हाँ ये है कि अभी अच्छे से उतना ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, अभी अपने बीटा में ही चल रहा है गेम। हाँ, तो अब हम बात करेंगे GTA 4 फैनमेड गेम की, इसका साइज है 629 MB और ये एक ऑफलाइन गेम है। अब हाँ, ये फैनमेड गेम है तो आपको ये तो प्ले स्टोर पर नहीं देखने को मिलेगा, इसको आपको गूगल ड्राइव की लिंक देखने को मिल जाएगी, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर से आपको इसको डाउनलोड करना है, तो आप चले आना गूगल ड्राइव की लिंक के, वहाँ से सिंपली से आपको इसको इंस्टॉल करना और कुछ नहीं करना है। अब देखो मैंने इस गेम को क्यों रखा, अब ये इसलिए ना क्योंकि इसमें ना आपको GTA 4 का पूरा मैप देखने को मिलता है। देखो अभी गेम में कुछ भी नहीं है, हाँ बस आपको एक बार एक्सपीरियंस लेना है ना GTA 4 का अपने मोबाइल पर, तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत मतलब 90% तक आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा ग्राफिक्स वाइज भी, एंड गेम प्ले एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी हद तक सेम देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर गेम में जो मैप है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, बस ये है कि हाँ अभी आपको इसमें कुछ भी टास्क मिशंस या फिर NPCs या फिर अलग अलग व्हीकल्स ये सब उतनी नहीं देखने को मिलेगी, पर आप सोच सकते हैं बस इतनी सी चीज़ के लिए गेम का साइज़ 600 MB से ऊपर हो गया, तो ओरिजिनल वाला अगर मोबाइल पर कभी आया भी तो कितने साइज़ का होगा। थोड़ा सा आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे कार ड्राइविंग ऑनलाइन गेम की, जिसका साइज़ है 216 MB एंड ये एक ऑफलाइन गेम है। हाँ देखो, इसलिए मुझे कभी कभी भरोसा नहीं होता, नाम में देखो ऑनलाइन लिखा है बट ये ऑफलाइन गेम है। ऐसे तो इसमें मल्टीप्लेयर मोड भी है तो ऑनलाइन भी खेल सकते हैं आप। बाकी बात करेंगे गेम की ना, तो ये भी एक ओपन वर्ल्ड टाइप का गेम है, जिसमें आपको अलग अलग सिटी के अंदर टास्क ये सब देखने को मिलेंगे, तो उसको परफॉर्म करना है। गेम की ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड हाँ इस गेम में ना आपको इंडिया का भी मैप देखने को मिलेगा, दिल्ली का, वो मैंने इसके ऊपर में ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसी के साथ में गेम में ना अभी शायद ये क्या बोलते हैं हाउस ये सब बिल्ड करने का भी कोई सा फीचर आया है कि क्या, बाकी हाँ मतलब टाइम टू टाइम गेम में अपडेट्स आ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा गेम है, मतलब लगता है, और थोड़ा सा ऐसा हमारा जो कैरेक्टर है ना वो भी बहुत क्लोज दिखता है, तो बड़ा दिखता है ऐसा नॉर्मल दूसरे गेम जैसा नहीं, तो मुझे अच्छा लगा था ये गेम, काफ़ी टाइम मैंने कवर कर चुका हूँ इसको। और फाइनली अब हम बात करेंगे वन स्टेट RP गेम की, जिसका साइज़ है 1.2 GB। अब ये एक ऑनलाइन गेम है, यहाँ पर बात करेंगे गेम की ना, तो जैसे हमको ऐसे GTA 5 ऑनलाइन के अंदर में ये अपने ग्रैंड RP जैसे सर्वर देखने को मिलते हैं ना, वैसे इस गेम के अंदर में भी है, यहाँ पर भी आपको मतलब सर्वर देखने को मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स गेम प्ले करेंगे, और वहाँ पर जो भी अपने को मतलब ओपन वर्ल्ड गेम है तो उसके अंदर में आपको जो भी टास्क जॉब्स ये सब करनी देती है वो सब आप कर सकते हैं। हाँ, जिनको मतलब बिल्कुल ऐसा GTA 5 ओरिजिनल टाइप में ऐसा प्ले करना है ना, तो ये सबसे क्लोजेस्ट आप कहेंगे इस गेम
को। यहाँ पर जो है ना, आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये गेम इंडिया में नहीं आया है ना, तो आपको इसको जो है ना टैप टैप से डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको गेम का साइज़ 81 MB के आसपास देखने को मिलेगा, पर ओपन करने पर 1.1 GB का एडिशनल डाटा चार्जेस भी लगता है, तो वही गेम का साइज़ 1.2 GB हो जाता है। बाकी ये भी गेम काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपने सेकेंड चैनल पर लाऊंगा, और हाँ, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।